10.1 एक्सरसाइज में आपको इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और वहां पे लिखा हुआ आएगा कि लिमिट एज ए सम से आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या है लिमिट एज ए सम? जैसे अभी तक हम इंटीग्रेशन ऐसे करते थे x dx, और 1 से 2 अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो पहले हम इंटीग्रेशन करते थे x का विद रेस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर बाय 2, और फिर लिमिट लगाते थे, पहले x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस करके x की जगह लोअर लिमिट, तो 4/2 माइनस 1/2, तो ये कितना हो गया 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर लिमिट एज ए सम से लिखा हुआ आए, बकायदा अगर ये चीज लिखी हुई आए, तो आपको इस प्रोसीजर से नहीं करना है। आंसर तो आपका 3/2 आना चाहिए, लेकिन आपका जो मेथड है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ मेथड क्या है, ठीक है? तो इसका क्वेश्चन यही देखे, समझते हैं उसको। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/2, ताकि मुझे याद रहे कि ये आंसर मुझे लेकर आना है। अब देखो लिमिट एज ए सम में क्या होगा, आपके क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होगा a टू b एफ एक्स डी एक्स, लिमिट दी हुई होगी a से b, और एक फंक्शन दिया होगा एफ एक्स डी एक्स। तो ये कह रहा है कि अगर आपको लिमिट एज ए सम से इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप एक फॉर्मूला याद रखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर एच एफ ए, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस थ्री एच, डॉट 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 डॉट, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। आप इस फॉर्मूले से अगर आंसर निकालोगे तो भी वही आंसर रहेगा जो आप डायरेक्ट करने का आपको मिला है। अब ये फॉर्मूला क्या कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से। लिमिट एच टेंस टू जीरो, इस एच का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी टर्म्स एच से मल्टीप्लाई होगी, एच एफ ए, एच एफ ए प्लस एच, एच एफ ए प्लस टू एच, और लास्ट में देगा एच एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, होगा कि नहीं होगा? अब ये एच इंटू एफ ए क्या है, एच इंटू एफ ए प्लस एच क्या है, इन सभी चीज के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये है एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, ये है एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, ये है एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, ये है एरिया ऑफ एंथ रेक्टेंगल, एनथ रेक्टेंगल। इसका मतलब बहुत सारे रेक्टेंगल बन रहे थे, उन सब के एरिया निकाले और उनको मैंने सम किया, उन सबका मैंने सम किया। तो अभी ये रेक्टेंगल कहां बन रहे थे वो मैं बता रहा हूं। मेरा मान लो कि y बराबर fx ये कर्व था, y बराबर fx ये कर्व था, और जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं तब मुझे पता है इसके नीचे का अंडर का एरिया मिलता है। तो इसके अंडर का एरिया निकालने के लिए मैंने इसके नीचे वाले पार्ट को छोटे छोटे रेक्टेंगल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब सोचो अगर मुझे ये एरिया निकालना था और मैंने छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए और हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उनको ऐड करूंगा, तो क्या ये पूरा नीचे का एरिया नहीं आएगा? बात समझ में आ रही है? एक तो सीधा तरीका है कि आप a से b तक, x बराबर a से b तक इंटीग्रेशन कर दो तो एरिया अंडर द कर्व मिलता है, लेकिन उसका मैनुअल तरीका क्या है, अगर मैनुअली करना है तो आप उसके अंडर के एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर दो और हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दो। तो ये जो तरीका है लिमिट एज ए सम, ये बेसिक तरीका है इंटीग्रेशन का, एरिया निकालने का, कि हमने पूरे नीचे वाले एरिया को छोटे छोटे n रेक्टेंगल में डिवाइड किया, कितने रेक्टेंगल में n, और हर रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है h, और हाइट अगर a डिस्टेंस में fx क्या हो जाएगा fa, तो ये हाइट हो जाएगी। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ, h इनटू fa, दूसरे का हो जाएगा h इनटू fa प्लस h, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये यहां से कितना दूर होगा अब a प्लस h, तो उसके कोरेस्पोंडिंग हाइट क्या हो जाएगी fa प्लस h। बात समझ में आ रही है? तो ये h fa, h fa प्लस h, h fa प्लस 2h क्या है, इस कर्व के नीचे आने वाले सभी रेक्टेंगल के एरिया को शो कर रहे हैं, और उन सभी रेक्टेंगल की विड्थ तो फिक्स है h, लेकिन हाइट जैसे जैसे हम a से बढ़ते जाएंगे हाइट उसकी कोरेस्पोंडिंग चेंज होती जाएगी। पहले रेक्टेंगल की हाइट fa है, दूसरे की fa प्लस h है, तीसरे की fa प्लस 2h है। बात समझ में आ रही है? ऐसे लास्ट nवें रेक्टेंगल की हाइट हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू h।
ज्यादा इसको डेप्थ में पढ़ोगे तब आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ इसका, ठीक है, क्योंकि शायद ये टॉपिक सिलेबस से हट गया है, नहीं है सीबीएसई में तो नहीं है, आपके एक बार देखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये चीज निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, रख दोगे। एक चीज में और यहां पे बता रहा हूं, यहां पे हमें एक एनएच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एनएच का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए, एनएच होता है बी माइनस ए। ये कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो कि एक कर्व था, वो एक्स बराबर वन से लेके एक्स बराबर नाइन तक चल रहा था, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है वन और बी की वैल्यू कितनी है नाइन। इसके बीच में मैंने चार रेक्टेंगल बनाए दो दो सेंटीमीटर के गैप से, तो एक पे था दो सेंटीमीटर चला तो काम हो जा तीन पे, फिर दो सेंटीमीटर चला तो काम हो जा पांच पे, फिर दो सेंटीमीटर चला तो पहुंचा सात पे, फिर दो सेंटीमीटर चला तो पहुंचा नौ पे। तो इसका मतलब आप देखो एच कितना है, एच होता है विड्थ, विड्थ कितनी है दो, और एन क्या है नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो कि कितने बने एक दो तीन चार। अब आप n और h का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 8, और b माइनस a करो मतलब 9 माइनस 1 वो भी कितना आया 8। तो इसका मतलब जब आप किसी एरिया को n रेक्टेंगल में डिवाइड करते हो जिनकी विड्थ h है तो n और h का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हमेशा बराबर होगा, मतलब nh इज ऑलवेज इक्वल टू b माइनस a। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज आपको ये याद रखनी है, दूसरा ये क्या है इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आ रहा कि आपने पूरे फंक्शन का जो कर्व बताया था उसके नीचे क्या किया, छोटे छोटे n रेक्टेंगल बनाए, उन n रेक्टेंगल के एरियाज को हम ऐड करेंगे तो हमें पूरा एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं h टेंड्स टू 0 क्यों कर रहा हूं उसका भी कारण समझो। देखो अगर मैंने मान लो इतना रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल तो मेरे यहां तक बन रहा है, ठीक है, अगर मैं विड्थ इतनी रखता हूं तो ये एरिया तो फिर भी रह गया, तो मैं h टेंड्स टू 0 करूं मतलब मेरा h जो है वो लगभग 0 के बराबर है, बहुत छोटी सी विड्थ है, तो देखो ये जो गुंजाइश है फिर जो वो है वो नेगलिजिबल हो जाएगी, जो छूट रहा था एरिया वो नेगलिजिबल हो जाएगा अगर मैं h टेंड्स टू 0 करूंगा, ठीक है। और जब मैं h टेंड्स टू 0 करूंगा तो n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इनफिनिट हो जाएगा, क्योंकि जब आप विड्थ बिल्कुल 0 के लगभग करोगे तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने बन जाएंगे भाई, अभी विद इतनी थी तो चार रेक्टेंगल बने, विद और छोटी करो तो रेक्टेंगल और बढ़ गए, विद और छोटी करो रेक्टेंगल और बढ़ेंगे, तो जब विद बिल्कुल 0 के करीब होंगे तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल इनफाइनाइट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं लिमिट एडिशन के बारे में आपको याद रखनी है। अब तीन चीजें और मैं बता रहा हूं उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, ये नोट करना है आपको, ये करोगे नोट, ये करोगे। अब देखो इस तरह की जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये भी हटा देते हैं, मैं कुछ दूसरा एग्जांपल लूंगा इसमें कुछ समझ में इतना नहीं है आएगा। तो हमारे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि जैसे कभी कभी ऐसी सीरीज बनेगी 1+2+3 up to n मतलब n नेचुरल नंबर का सम, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा n, तो ये कितना होता है n n प्लस 1 बाई 2। तो आप सीधा ये मान लो n की जगह n माइनस 1 है तो जहां n है वहां n माइनस 1 लिख दो, तो ये क्या बना n n माइनस 1 बाई 2 क्योंकि 1 से 1 तो कट गया n बचा। बात समझ में आ रही है? तो n नेचुरल नंबर का सम ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है। और कभी कभी n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम भी आ जाए जिसको हम सिग्मा n स्क्वायर लिखते हैं शॉर्ट में, तो ये होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। आपने एपीजीटी में पढ़ा होगा 11th क्लास में n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम आ जाए तो ये होता है सिग्मा n क्यूब या फिर n n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अपॉन में 2 है। कभी कभी कोई टर्म इस तरह के आ जाए 2 2 2 2 2 n टाइम ऐड हो रहा हो तो आप सीधा क्या करो 2 इनटू n, अगर 2 बाई 3 टाइम ऐड होता है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो n टाइम ऐड हो रहा है तो n टाइम से मल्टीप्लाई करो। तो ये तीन चार चीजें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये इस एक्सरसाइज में काम आएगी। अब करते हैं क्वेश्चन, रख कर दूं। देखो
सवाल मेरा वही मैं ले लेता हूँ, चलो एक बार के लिए x dx क्या आंसर आएगा 3/2। मान लो ये सवाल आया 1 से 2 x dx और लिखा हुआ आया कि इंटीग्रेशन करो लिमिट एट द सम से, तो आप पहला सवाल क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर बाय a टू b f x dx, बताओ a कितना 1, b कितना 2, f x कितना x, तो बताओ n h कितना होगा, n h क्या होता है b माइनस a, मतलब 2 माइनस 1 कितना आया 1, निकाल दिया। ये काम आपको करना है पहला f a plus h up to f a plus n minus 1 into h, ठीक है, ये फॉर्मूला है। देखो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कभी कभी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने a से स्टार्ट किया तो a plus n minus 1 h पे खत्म किया, कभी कभी ये a plus h से स्टार्ट करेगा तो खत्म कहां करेगा, nh, a plus nh पे खत्म करेगा, ये भी सेमी फॉर्मूला है। अगर आप a से स्टार्ट कर रहे हो तो लास्ट हाइट होगी a plus n minus 1 h, अगर a plus h से स्टार्ट कर रहे हो तो लास्ट हाइट होगी a plus n h, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, तो मैं वो नहीं करता, अपने ये ठीक है जो बेसिक तरीका, कोई दिक्कत, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले आप a की वैल्यू रखो, जहां a है, a कितना 1, तो ये हुआ f1, f 1 plus h, f 1 plus 2h, f 1 plus n minus 1 into h, कोई दिक्कत? अच्छा अगर f x x है तो f 1 क्या हुआ, यहां x वहां बन आ गया, f 1 plus h क्या हुआ 1 plus h, f 1 plus 2h क्या हुआ 1 plus 2h, f 1 plus n minus 1 into h क्या हुआ 1 plus n minus 1, मतलब जो x है वो चेंज होगा, अब सामने x ही है और कुछ होता तो वो जैसा है वैसा पड़ा रहता, जहां x है वहां पे ये चीज आ जाती है, ये तो पढ़ा है ना हमने, तो बस रखो सारी वैल्यू, लिमिट h tends to 0 h, ओके f 1 कितना 1, f 1 plus h 1 plus h, 1 plus 2h, 1 plus n minus 1 into h, कोई दिक्कत? यहां तक आराम से पहुंच जाते हैं बिना दिमाग लगाए ज्यादा, अब इसके बाद सॉल्व करने में दिक्कत आती है। देखो अब हर टर्म में 1 1 1 1 आ रहा है तो मैं अलग कर रहा हूं, 1 plus 1 plus 1 plus 1 कितने टर्म थी, 2 n टर्म्स, h 2h n minus 1 h, तो h कॉमन लिया तो बचा इधर 1 plus इधर 2 3 और लास्ट में n माइनस 1, कोई दिक्कत? 3 कहां से ऐसा है नहीं है तो आगे क्रम में आएगा, मैं अंदर लेता हूं, लेते हूं निकल 1 h है 2 h है फिर 3 h आएगा फिर 4 h आएगा, आई बात समझ में? अब मैंने अभी एक चीज बताई थी 2 2 2 n टाइम ऐड होता है तो 2 इनटू n लिखते हो तो 1 1 1 n टाइम ऐड हो रहा है तो 1 इनटू n लिखेंगे तो n, तो क्या हो जाएगा ये n, ये हो जाएगा nh n n, ओके ये भी मैंने बताया, अभी जो मैंने n नेचुरल नंबर का सम लिखा था तो उसमें मैंने n की जगह n माइनस 1 लिखा था तो क्या हुआ था, n नेचुरल नंबर का सम क्या था सिग्मा n, n n प्लस 1 बाई 2, लेकिन अगर n n माइनस 1 है तो n, तो यहां पे n माइनस 1 हो जाएगा और ये n हो जाएगा, तो ये यहां तक का जो सम है वो है हमारे पास n n माइनस 1 बाई 2, बात समझ में आई, क्योंकि ये n माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम है, क्लियर, ओके अब देखो बाहर h जो है वो मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, इससे भी, तो ये क्या हुआ, ये nh nh सॉरी h स्क्वायर n n माइनस 1 बाई 2 2 nh है। अब देखो क्या करोगे, यहां h कितने हैं 2 2 और यहां आगे टर्म कितनी है
दो, तो एक एच को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करो, दूसरे एच को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करोगे वरना तो फंस जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एन एच ऑलरेडी था, एच स्क्वायर था, तो एक एच को इससे मल्टीप्लाई कर दिया एन से और दूसरे एच को कर दिया अंदर, कोई दिक्कत। अब एन एच कितना है, एन एच हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते चुके हैं वन, तो जहां एन एच है वहां वन लिखो, और एच की जगह नहीं लिखना। अब एच को जीरो करो, लिमिट अप्लाई करो, तो ये जीरो हो गया, तो क्या बचा, वन प्लस वन बाई टू कितना होता है, थ्री बाई टू। आई बात समझ में, तो इससे प्रूफ होता है कि इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि आपने देखो एरिया अंडर द कर्व निकाला छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड करके तो भी वही आया, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिमिट लगाते तो भी वही आता है। बात समझ में आ रही है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में करना है, क्लियर। तो लिमिट एज अ सम का ये फॉर्मूला है और ये मेथड है, याद रहेगा, छह क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करना, नहीं हो तो मुझसे पूछना। थैंक यू।